हेलो दोस्तों, हमारी पेलवर्ड सीरीज के एक न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने पकड़ा था बॉस पेनकिंग एंड बॉस कैटरस को, लेकिन आज हम लोग जाने वाले हैं उनसे भी ज्यादा पावरफुल पेल्स को पकड़ने के लिए, जिनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन हम जरूर पकड़ेंगे। लेट्स गो। दोस्तों, नई बॉसेस को पकड़ने से पहले हम अपने बेस को अपग्रेड कर लेते हैं। हाँ शिनचैन, और बेस को अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें वेपन वर्क बेंच लगाना पड़ेगा। कजामो, उसका सामान तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो चलो इसको जल्दी से लगा लेते हैं। और इसमें हम अपने वेपन्स भी क्राफ्ट कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे हमारी पिस्टल्स, गन, सब कुछ क्राफ्ट हो जाएगा, जिससे हम लोग पैल्स को और भी ज्यादा आसानी से हरा और पकड़ पाएंगे। अरे फिर तो मजा आ जाएगा, मैं तो स्नाइपर यूज करूँगा कजामा। शिनचैन, क्या पता इसमें स्नाइपर हो ही ना। ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। सो दोस्तों, वेपन वर्क मैच तो लग चुका है, अब जल्दी से अपने बेस को अपग्रेड कर लेते हैं। ठीक है कजामा, वैसे भी हमें बेस अपग्रेड किए काफी टाइम हो गया, तो ये हो गया बेस हमारे लेवल 12 का। अभी एक और पैल को काम पे लगा दो। मेरे पास एक आइडिया है, हम इस पेंगुलेट को काम पे लगाते हैं। शिनचैन, लेकिन हमने ऑलरेडी पेंगुलेट को काम पे लगा रखा है। और क्यों, दिखाता हूँ मैं साहब, ये हमारा एक और काम करेगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन सा। ठीक है, जल्दी से दिखाओ। हमने जो कूलर में इतना ज्यादा खाना रखा है मैं साहब, वो खराब हो जाएगा अगर ये पेंगुलेट कूलर को ठंडा नहीं करेगा। अरे ये तो काफी अच्छा आइडिया शिनचैन, ऐसे हमारा पेंगुलेट हमारे खाने को खराब नहीं होने देगा और कूलर बॉक्स को ठंडा करता रहेगा। चलो दोस्तों, अब चलते हैं बॉस पैल को हराने। और पहला बॉस पैल है किंग पैका, तो सबसे पहले हमें उसी को हराना है। मेल पैका का बॉस किंग पैका। हाँ शिनचैन, उसको हराना पता नहीं कितना हार्ड होगा, लेकिन हम उसको जरूर हराएंगे। जाना, मैं तो उसको पकड़ के रहूंगा कुछ भी हो जाए। शिनचैन पकड़ लेना, लेकिन सबसे पहले उसको हराना होगा, तभी तो पकड़ पाएंगे। तो चलो निकालते अपने वुल्फ को बाहर। चलो वुल्फ, हमें ले चलो किंग पैका तक। अरे मैं साहब, तुम थोड़े से पागल हो क्या? शिनचैन मैंने क्या किया? हमारे वुल्फ को रास्ता कैसे पता होगा? हम उसको राइड कर सकते हैं, लेकिन वो हमें रास्ता नहीं बता सकता। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे मालूम है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तुम्हें नहीं मालूम था मसाल, इसलिए तुम बोल रही थी। शिनचैन, मुझे सब मालूम है, तुम यहाँ पे चुप हो जाओ। अरे अरे, तुम लड़ना बंद करो, देखो हम लोग किंग पैका के पास पहुँच चुके हैं। अरे ये क्या दोस्तों, इस किंग पैका के साथ तो इसकी सेना भी है, दो मेल पैका। इनको तो मैं ऐसे ही निपटा दूंगा बुचैन। शिनचैन, तुम तो आते ही मारने लग गए। एक को मार भी दिया मसाल, अभी दूसरा बाकी है। गलती से किंग पैका को मार दिया। अरे भाग शिनचैन, वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। इसने मुझे मारा। अरे उसके दोनों मेल पैका मर चुके हैं, अब बस उसी को हराना है। कैट्रेस को भेजो। कैट्रेस जाओ और इस किंग पैका की बैंड बजा दो। दोस्तों सामने देखो, वहाँ पे शाइनी विक्सी है, उसको पकड़ लेते हैं। वो रेंच पे बहुत अच्छा काम करेगा और हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें देगा। अरे कजामा, हम किंग पैका के साथ लड़े या फिर उस शाइनी विक्सी को पकड़े? अरे मसाओ, हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कैट्रेस हमारी किंग पैका के साथ लड़ लेगी, तब तक हम जाकर शाइनी विक्सी को पकड़ लेते हैं। ये शाइनी विक्सी कितना बढ़िया लग रहा है और इसका साइज भी कितना ज्यादा बड़ा ही है ना दोस्तों। हे मसाओ, इसको मैं पकड़ रहा हूँ। ये क्या, किंग पैका भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं? ये आया कैसे? नहीं लगता है यह पकड़ा जाएगा। तुम शिनचैन किंग पैका को मारते रहो, लगता है शाइनी विक्सी को हमने पकड़ लिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, शाइनी विक्सी तो हाथ में आ गया, अब बारी है इस किंग पैका की। अरे कैट्रेस, किंग पैका को मारो। हाँ कैट्रेस, जल्दी मारो, वरना तुम्हारी मसाओ के साथ शादी करवा दूंगा। ओए, ये तो सच में मारने लग गई, लगता है ये मसाओ के साथ शादी नहीं करना चाहते। एक जाना, वैसे भी मैं इसके साथ शादी क्यों करूंगा, मैं तो आईशेन के साथ ही। हे मसाओ, क्या बोल रही हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। लगता है आईशेन के बॉडीगार्ड को बताना ही पड़ेगा, ये टकला मसाओ बहुत ही दूर की सोच रहा है। ए बुचैन, माफ कर दो, मुँह से निकल गई, आगे से ऐसे कुछ नहीं बोलूंगा। अरे मसाओ मजाक कर रहा है। ही ही ही, दोस्तों देखो किंग पैका की पावर कितनी कम हो चुकी है, अब हम उसको पकड़ सकते हैं। शिनचैन, अपना मेगा स्फीयर फेंको। फेंक दिया मसाओ, लेकिन ये पकड़ा नहीं गया लगता है। अरे एक बार में नहीं आएगा, देखा मैंने बोला था। इसको तो लगता है और मारना होगा, तब जाकर ये हमारे हाथ में आएगा। ये किंग पैकर तो हमारे ऊपर टैक्स कर रहा है, लेकिन इसके टैक्स कितने ज्यादा कमजोर से हैं। हाँ मसाओ, इसके टैक्स तो हमें टच भी नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है हमने इसको नहीं पकड़ा। ये क्या बात हुई, ये तो हाथ में आ ही नहीं रहा कजाना, अब हम क्या करेंगे? शिनचैन ट्राई करता रहे, वो एक ना एक बार तो हाथ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब उसका पावर बहुत ज्यादा कम है, अब मैं इसको पकड़ने वाला हूँ। प्लीज आ जा किंग पैका,
आजा यार प्लीज आजा। ओ यस, हमने किंग पैका को पकड़ लिया। ये मजा आ गया, फाइनली हमने किंग पैका को पकड़ी लिया इतनी सारी मेहनत के बाद। अभी रात भी बहुत हो चुकी है खजाना, और मुझे नींद भी आ रही है, चलो बेस पे चलते हैं। हाँ शिजन आगे चलो, वहाँ पे एक फास्ट ट्रैवल है तो वहाँ से डायरेक्ट हम लोग बेस पे टेलीपोर्ट हो जाएंगे। खजामा तो जल्दी करो ना, इतना स्लो क्यों भाग रहे हो? हाँ मसाओ, अभी देख हम वुल्फ पे राइड करके जाएंगे और तेजी से पहुँच गए। बहुत बढ़िया, अब जल्दी से बेस पे चलते हैं और सो जाते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, फिर सुबह उठ के हम लोग को दूसरे बॉस को हराने भी जाना है। वैसे दूसरा बॉस कौन सा है दोस्तों? बोचन वो हम सुबह देखेंगे। हाँ, अभी सब लोग सो जाओ। और हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह, लेट्स गो दोस्तों, दूसरे बॉस को पकड़ने चलते हैं। मैं तो एक्साइटेड हूँ कि वो बॉस के पास कौन सी पावर्स होगी। चलो सबसे पहले हम लोग किंग पैका को पार्टी में ले लेते हैं। हाँ देखते हैं किंग पैका कितना पावरफुल है। अरे दोस्तों इसका अटैक और डिफेंस तो उतना अच्छा नहीं है, मैं कहता हूँ इसको पार्टी में नहीं लेते, हमारे यही वाले पैल्स अच्छे हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है खजाना, हम विक्सी को कहाँ पे लगा देते हैं और किंग पैका को यहीं पे छोड़ देते हैं। अब चलते हैं दूसरे बस को पकड़ने, पहले ये विक्सी को रेंच पे लगा दो। चलो विक्सी शुरू हो जा और यहाँ पे हमें अच्छी अच्छी चीजें दो। चलो दोस्तों अब चलते हैं दूसरे बॉस के पास। दूसरा बॉस ही रहा खजामा, लेकिन यहाँ पे तो दो दो है। ओ हाँ, एक तो ड्रैगन टाइप था और एक है ग्रास टाइप। तो सबसे पहले हम लोग ग्रास टाइप को पकड़ते हैं क्योंकि ड्रैगन वाला कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, तो वो हमारी बैंड भी बजा सकता है। हाँ, ग्रास टाइप के बाद हम लोग ड्रैगन टाइप को भी पकड़ ही लेंगे मसाओ। ठीक है शिनचैन, तो ये ग्रास टाइप को हम लोग लेके चलते हैं ताकि ड्रैगन टाइप को पकड़ने में ये हमारी हेल्प कर सके। ओके, सो इस वाले ग्रास टाइप पैल का नाम है पिटेलिया, और वो ड्रैगन वाला एल्फीड्रान है जिसको हम लोग बाद में पकड़ेंगे। ये रहा वो डंजन का जाना, इसी के अंदर है वो बॉस। तो चलो दोस्तों अब इसको पकड़ने का टाइम आ चुका है। ये रही पिटेलिया दोस्तों, जाओ मेरी कैट्रेस, उस पिटेलिया को छोड़ना मत, उसको इतना ज्यादा कमजोर कर दो क्योंकि वो एक ही बार में हम लोग उसको पकड़ ले। हाँ इसको हम लोग एक ही बार में पकड़ेंगे। कैट्रेस उसको मारो, आके गोली मारो, सब कुछ मार दो। अरे हमारी कैट्रेस अच्छा लड़ रही है यार, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं है। ये तो हमारे पास आ रही है खजामा। ओए ये क्या, ये तो कैनन चला रही है। इसके पास तो बहुत ही खतरनाक अटैक्स है, मुझे नहीं लगता हम इसको हरा सकते हैं। हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए दोस्तों, चलो यहाँ से भागते हैं। नहीं मसाओ, हम इसे लड़ेंगे और इसको हराएंगे भी। ये तो बहुत ही खतरनाक अटैक्स कर रही है। अगर ये बात है तो हमारा पेंट किंग इसको मजा चुकाएगा। जाओ मेरे पेंट किंग, उसको जमा डालो। चल पेंट किंग उड़ी अटैक मार दे। उड़ी उड़ी, ओ भाई साहब पेंट किंग ने क्या ही उड़ी उड़ी अटैक मारा है। पेंट किंग ने तो देखो उसको बर्फ के तीखे तीखे कांटे भी मारे, पेंट किंग बहुत अच्छा लड़ रहा है। आखिर वो किंग है मसाओ, तो वो सब कुछ कर सकता है। ये हमारी पर बबल छोड़ रही है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली। लेकिन हमने इसके काफी हेल्थ कम कर दिए दोस्तों, और पेंट किंग ने उसको जमा भी दिया है। शिनचैन मैं कहता हूँ अब हमें चिलेट को भेजना चाहिए। हाँ पेंट किंग को वापस बुलाओ और चिलेट को भेजो। चलो मेरे चिलेट अब तुम्हारी बड़ी है, अब उसको दिखा दो कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। हमारी पैल्स कितना अच्छा लड़ रही है ना दोस्तों। हाँ मसाओ मैं भी तो कितना अच्छा लड़ रहा हूँ क्रॉसबो से, ये तो देखो। अरे ये फिर से बबल छोड़ रही है, शिनचैन इसके बबल से बचा कर यार, ये बबल्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये तो हमारे पास आ रही है, इससे दूर ही रहो दोस्तों, ये हमारे पास आकर हमें मारने का ट्राई कर रही है। अरे बोचे तो वो हमारे पास आके हमारी आरती थोड़ी उतारेगी, अभी से रोबिन क्विल लड़ेगा दोस्त। ओए मेरे रोबिन क्विल, इसको मारो, बम से उड़ा दो। अरे तो एरोस मार रहा है रोबिन क्विल, उसके ऊपर बम फेंक यार। हाँ ये वाले बम बहुत बढ़िया, इससे उसको बहुत डैमेज होने वाला है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये हमारे ऊपर फिर से बबल्स छोड़ने लग गई। अरे मसाओ मैंने सारे के सारे बबल्स को डॉच कर दिया, और ये रोबिन को धड़ाधड़ बम फेंक रहा है उसके ऊपर, उसके तो बैंड ही बज रही है दोस्तों, है ना। हाँ यार बहुत बढ़िया, ऐसे तो हम लोग इसको आराम से हरा के पकड़ लेंगे। ओह नो, उसने फिर कैनन चला दिया। अरे ये कैनन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मसाओ, जब तक हम उससे दूर रहेंगे ना तब तक वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम उसके पास गए तो वो अपने कैनन से हमारी बैंडी बजा डालेगी खजाना। हाँ शिनचैन ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, उसके कैनन से बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है। दोस्तों उसकी पावर बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। रॉबिन कोइल को वापस बुला के कैट्रेस को भेजा है, कैट्रेस उसको फायर से और ज्यादा कमजोर कर देगी, एंड उसके बाद फिर हम उसको मेगास्फीयर से पकड़ लेंगे। हाँ कैट्रेस अपना काम बिल्कुल सही कर रही है, कैट्रेस ऐसे इसको मारती रहे ताकि वो और ज्यादा कमजोर हो जाए। खजामा अब तो इसकी हेल्थ बहुत कम है, मैं इसको पकड़ने का ट्राई करता हूँ। अरे यार ये नहीं आ रही, इसको थोड़ा और डैमेज देना पड़ेगा।
उसने कैट्रेस के ऊपर कैनन चला दिया। अरे हमारी कैट्रेस तो बाल बाल बची। मसाओ जल्दी मारो इसको, शिनचैन वो तो हमारे ऊपर बबल्स छोड़ती जा रही है, हम लोग क्या करें। इसको पीछे से पकड़ने का ट्राई करता हूँ। ओके, अब तो शायद नहीं आई यार। अब तो आ ही जाएगी, अब तो इसको आना ही पड़ेगा। आ जाए, लगता है आ गई। प्लीज, अरे नहीं आई। फिर से खजाना, ये लास्ट बार देख रहा हूँ, अब उसके 4 HP है। अरे हाँ देखो, अब उसके 4 HP, अब तो आना ही चाहिए। और ये फाइनली आ चुकी है ये। बल्ले बल्ले तो शावर शावर, हमने इसको फाइनली पकड़ ही लिया। और इसको पकड़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, है ना दोस्तों। कजाम, अगर इसको पकड़ना इतना मुश्किल था तो सोचो वो ड्रैगन टाइप एल एल्फिड्रान को पकड़ना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। हाँ मसाओ, लेकिन अभी हमारे पास ये पिटेलिया है ना, तो ये उसकी बैंड जरूर बजा डालेगी। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और एल्फिड्रान को बहुत ही गंदा मारेगी ये। तो चलो फिर अभी हम सब लोग बेस पे चलते हैं। हाँ अभी बेस पे चलते हैं और इसको अपनी पार्टी में लेते हैं। आज तो मजा ही आ गई है, हमने इतने तगड़े तगड़े 2 बॉसेस को हरा दिया। मैं तो कहता हूँ हमें किंग पैकर को भी पार्टी में लेना चाहिए। नहीं यार मसाओ, अभी जब हम एल्फिड्रान को पकड़ने जाएंगे तो उसको तो हम पार्टी में लेंगे, तो फिर किंग पैकर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, अभी हमने पिटेलिया को पार्टी में लेके चिलेट को निकाल दिया है पेल बॉक्स में। मैं तो कहता हूँ हम चिलेट को काम पे लगाते हैं, ये हमारे कूलर बॉक्स को और भी ज्यादा अच्छे से ठंडा करेगा। मसाओ ये शिनचैन ठीक है, चिलेट को कूलर बॉक्स के ऊपर फेंक के आते हैं। अरे नल्ले मसाओ, फेंकना नहीं है बेचारे को, उसको बस कूलर बॉक्स के ऊपर बिठाना है बिल्कुल आराम से। ऐसे देखो वो कितना बढ़िया से बैठ चुका है, उसको भी अच्छा लग रहा है। हाँ बुचैन। सो गाइस, अगर आपको आज के एपिसोड में मजा आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पकड़ने जाएंगे एल्फिड्रान को, एंड एल्फिड्रान के साथ हम लोग कुछ न्यू पेल्स एंड दूसरे बॉसेस को भी पकड़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आप सभी को बाय बाय।